का मैं हूं आपके साथ कमर। बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध की। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीयों के स्वदेश वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है, मुहिम लगातार जारी है। भारतीय छात्रों को लेकर आ रहे विमान भारत पहुंच रहे हैं। आज एक विमान मुंबई और दो विमान दिल्ली में और एक हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। देर रात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट कर बताया था कि कुल 7 फ्लाइट्स आज भारत आएंगी, जिनमें लगभग 1320 भारतीय छात्र सवार हैं। 182 छात्रों को लेकर रोमानिया के रास्ते स्पेशल विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा है। इन छात्रों को रोमानिया के बुखारेस्ट से स्वदेश वापस लाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने छात्रों का स्वागत किया। रोमानिया के बुखारेस्ट से एक और विशेष विमान भारत पहुंचा है। इस विशेष विमान में यूक्रेन में रह रहे 210 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। इस विशेष विमान से आज सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। रोमानिया से आज दो विशेष विमान भी अब तक 392 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट से भारतीयों को लेकर विशेष विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इस विशेष विमान से यूक्रेन में फंसे 183 भारतीयों को वापस लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों का स्वागत किया।